हेलो गाइज, मेरा नाम मानसू और आप देख रहे हो मिस्टर फोन जी। और आज हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 10 के बारे में, जो कि रिसेंटली इंडिया में लॉन्च हो चुका है और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिवाइस है। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और कुछ स्कैम चल रहे हैं रेडमी नोट 10 से रिलेटेड, और इसमें कुछ ऐसी कमियां हैं जो कि आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और यूट्यूबर्स का रिएक्शन भी देखने को मिलेगा कि इंडियन टेक यूट्यूबर्स क्या कहते हैं रेडमी नोट 10 से के बारे में। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, वीडियो के लास्ट में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाला हूँ, तो उसको जरूर से देख लेना। तो गाइज, बात करते हैं टेक्निकल गुरुजी की। तो उन्होंने अपने स्टाइल में अनबॉक्सिंग डाल दी, आई थिंक आपने देख भी लिया होगा और आपको स्पेक्स का भी पता चल गया होगा, तो मैं स्पेक्स बता के इस वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। तो गाइस, बात करते हैं ट्रैकिंग टेक की। तो उनसे कुछ रेडमी नोट 10 से रिलेटेड क्वेश्चन करे गए थे जिस पर उन्होंने वीडियो बनाया था, तो उसकी कुछ क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। जो MIUI है ना, हाफ बेक्ड लगता है, एकदम पॉलिश्ड नहीं लगता है। वो जो है वो मैंने अनबॉक्सिंग में भी बताया था और अभी भी 3-4 दिनों के बाद इस्तेमाल करने के बाद भी मैं वही कहूंगा कि अपडेट से वो ठीक हो जाएगा, बट अभी जैसा है आउट ऑफ द बॉक्स आई थिंक इट इज स्लाइटली अनबेक्ड। यस, मैं हाफ बेक्ड कहूंगा, पूरा बेक नहीं हुआ है अब तक। और गाइस, अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। बात करते हैं टेक बर्नर की। तो उन्होंने भी MIUI 12 से रिलेटेड ही कुछ कहा था, तो आप वो भी देख लो उन्होंने क्या कहा। तगड़ा प्रोसेसर है, GPU बहुत अच्छा है, सारी स्पेसिफिकेशंस ऑन पॉइंट है और गेम भी बढ़िया चल रहे, तो आपको लगेगा कि भाई नॉर्मल एवरीडे में भी काफी ज्यादा मजा आएगा, बट ऐसा नहीं। इस वाले स्मार्टफोन में सारी चीजें डालने के बाद मुझे हल्का सा जिटर फील हुआ। कभी कभी यार, जब गेम एग्जिट करोगे या फिर कोई एप्लीकेशन खोलोगे तो हल्का सा लैग फील होता है, जो मेरे हिसाब से इस प्रोसेसर के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा गुनाहगार मेरे हिसाब से MIUI 12 है। हमने एक्चुअली MI 11 में ट्राई करा था Xiaomi का फोन, और उसमें स्नैपड्रैगन 888 था और में भी हमको सेम चीज देखने के लिए मिली थी। एक ऐसी चीज नहीं है जो आपका बाइंग डिसीजन चेंज करेगा, बट मेरे ख्याल से फिक्स हो जाएगी तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। बट जब बात करते हैं गीके रंजीत की, तो उन्होंने फुल रिव्यू वीडियो बनाया है रेडमी नोट 10 के बारे में, आप जरूर से चेकआउट करना अगर आपने नहीं देखा है। उसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं। सेकंड थिंग दैट आई वाज प्रेजिंग व्हेन आई गॉट द फोन was the stereo speakers. Yes, this one has stereo speakers here and here, but I have to say the stereo speaker calibration is one of the worst that I've seen. See, why do we like stereo speakers? Is because you get that stereo effect from here and here, and to get that the volume level should be actually balanced, but that's not the case with this one. I would say the volume level, 80% of the volume comes from this, but only 20% of the volume comes from this side. Let me demonstrate that. This is copyright free. I'm going to maximize it. As you can see, and I'm going to, it's coming from both the sides. Now I'm going to block this. Hardly any difference in the volume, if you notice. There's hardly any volume is coming from this. But if I block this, see how low the volume is from this side. Let me show you again. If I block this. So very imbalanced stereo speakers, guys. I'm happy, don't get me wrong. I'm very happy that Xiaomi is providing stereo speakers on this one, but the implementation is done very bad. और गाइस, गीकर रंजीत ने हमारे स्टोर के स्कैम के बारे में भी वीडियो बनाया था, जैसा कि आप देख सकते हो, तो उसकी छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं। The problem is many of these sellers in this authorized Mi stores, I'm not talking about third party stores that are selling in black market, no, I'm talking about Mi authorized stores that are by Mi. These guys are actually, when you go to these stores and you want to buy these smartphones, are compelling users to buy extra stuff. For example, they will tell you, if you want to buy this smartphone, you have to buy this extra insurance plan or whatever for 1200, 1300 rupees, or you have to buy extra Bluetooth speaker that cost about 2000 rupees. And if you deny them, they will just say they don't want to sell it to you. And this is happening a lot. और गाइस, टेकी पार्ट साला ने भी MI स्टोर के स्कैम के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बनाया था, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। बात करते हैं टेक्नो रोहित की, तो उन्होंने क्या कहा वो भी आप देख लो। फाइनली दोस्तों, रेडमी नोट 10 भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है दोस्तों। सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इंटरेस्टिंग डिस्प्ले, प्राइस के हिसाब से आपका जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस होगा बड़ा मजेदार होगा दोस्तों। स्लिम है, लाइट वेट है, बड़ी बैटरी होने के बाद भी फास्ट चार्जिंग वगैरह दिया है। कैमरा दोस्तों मुझे अच्छा लगा है प्राइस के हिसाब से, और चिपसेट भी दोस्तों अच्छी है, गेम्स वगैरह आप अच्छे से यहाँ पर खेल सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा जो फीचर्स उन्होंने दिया है, डुअल स्पीकर, डेडिकेटेड मैग्नेटिक कार्ड, आयर ब्लास्टर, डुअल माइक, नॉइस कैंसिलेशन वगैरह, वो सब कुछ भी हम यहाँ पर अच्छा बोल सकते हैं। उसके अलावा डिजाइन भी दोस्तों अच्छी है, नॉट बैड, समथिंग न्यू है। लेकिन पॉलीकार्बोनेट ग्लास होता तो बहुत अच्छा होता, और 4G चिपसेट है,
5G होता तो अच्छा होता था, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया 4G 5G अभी थोड़ा ध्यान मत दीजिए। अगर फोन अच्छी प्राइस पर मिल रहा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हो। गाइस टेक्नोलॉजी ज्ञान के बारे में बात करें तो उन्होंने रेडमी नोट 10 से रिलेटेड कोई भी वीडियो नहीं बनाई है, और शर्मा जी टेक्निकल के बारे में कहें तो उन्होंने भी प्रॉपर अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं बनाई, लेकिन एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने अनबॉक्सिंग छोटी जो करी थी और गिव अवे भी करा था, तो आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। गाइस बात करते हैं टेक बार की, तो उनका भी रिव्यू वीडियो आ चुका है और आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके देख सकते हो। तो उनके भी वीडियो की छोटी सी क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, देखो अभी तक जो है फोन लिटरली बहुत ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, और यहाँ पर हर एक चीज को हाई एंड करने की कोशिश करी है, और 12,000 रुपए इसका प्राइस टैग है ना, इसका मिसप्रिंट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि इसको और ज्यादा प्राइस होना चाहिए था, गलती से लिख दिया गया है। तो भाई यहाँ पर तो मुझे बहुत अमेजिंग फोन लगा है, और मेरे हिसाब से आपको नजरें बनाए रखनी चाहिए। तो गाइस ये रहे यूट्यूबर्स के रिएक्शन, अगर कोई छूट गया तो फिर बता देना कमेंट करके, अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। अब गाइस मैं अपना ओपिनियन बता देता हूं, मैं क्या सोचता हूं रेडमी नोट 10 से रिलेटेड। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 12,000 के प्राइस में काफ़ी सही फ़ोन है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि MIUI, अगर आप उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है तो आप डेफिनेटली इस फ़ोन को परचेज कर सकते हो। और गाइस आई एम श्योर इसके साथ एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम रहने वाली है, जो कि इसका 12,000 वाला वेरियंट है वो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, केवल 1% लोग हैं जिनको मिल सकता है, और ब्लैक में मिल सकता है, और जो अपर वेरियंट है वही आपको देखने को मिलेगा सेल वगैरह में, या फिर आप जहाँ से भी खरीद सकते हो वहाँ आपको देखने को, और ब्लैक मार्केटिंग तो होने ही वाली है, या आप लिख के ले लो मुझसे 100%। अगर ये सब बंद हो जाता है तो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी हम सबके लिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको पसंद आया लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाने वाला हूँ, और आगे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाले हैं। चैनल कर लें सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।